एयरपोर्ट पर एक उबर ड्राइवर के साथ बड़ी ही विचित्र घटना घट गई। वह एक पैसेंजर को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट गया था और वहां ड्रॉप ऑफ जोन में वह सिर्फ 3 मिनट के लिए ही रुका, लेकिन इसी 3 मिनट के लिए उसे 3 लाख रुपए से भी अधिक चार्ज वसूला गया। अब ऐसा क्यों हुआ, चलिए जानते हैं। कई जगहों पर पार्किंग की बड़ी समस्या होती है, जगह कम होती है और गाड़ियां अनगिनत। ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि लोग जल्दबाजी में कहीं भी गाड़ी लगा देते हैं और घूमने या अपने काम से निकल पड़ते हैं, पर इस चक्कर में उन्हें लेने के देने भी कई बार पड़ जाते हैं। एक ऐसा ही मामला आजकल काफी चर्चा में है। दरअसल एक उबर ड्राइवर उस वक्त आश्चर्यचकित रह गया जब उसे पता चला कि हवाई अड्डे पर यात्रियों को छोड़ने के लिए उसे 3,000 पाउंड से ज्यादा का शुल्क लिया गया है। बता दें कि ये मामला इंग्लैंड के मैनचेस्टर से जुड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक मार्क कॉर्नर नाम का उबर ड्राइवर बीते 1 दिसंबर को कुछ लोगों को लिवरपूल से मैनचेस्टर हवाई अड्डे तक ले गया था, जहां वह ड्रॉप ऑफ जोन में रुक गया। वैसे आमतौर पर यहां 5 मिनट तक रुकने के लिए गाड़ी वालों से 5 पाउंड के आसपास शुल्क वसूला जाता है, लेकिन इस उबर ड्राइवर से तो इतने पैसे वसूल लिए गए जितना उसने महीनों में नहीं कमाया। वैसे पहले तो मार्क को पता भी नहीं चला कि उससे लाखों रुपए वसूल किए गए, लेकिन बाद में जब उन्होंने अपने बैंक अकाउंट की जांच की तो पाया कि एयरपोर्ट पर सिर्फ 3 मिनट रुकने के लिए उनसे 3,132 पाउंड यानी कि करीब 3,40,000 रुपए का शुल्क ले लिया गया। इसका मतलब ये था कि मार्क जहाँ रुके थे वो दुनिया की सबसे महंगी पार्किंग जगह थी। मार्क के मुताबिक जब एक दिन उनकी पत्नी उनका कार्ड लेकर खरीदारी करने गई तो पता चला कि उनके अकाउंट में तो पैसे ही नहीं हैं। असल में उनके अकाउंट से फिर से पैसे काट लिए गए थे। इसके बाद मार्क ने फिर से मैनचेस्टर एयरपोर्ट अथॉरिटी से इसकी शिकायत की, पर अब तक उनके पैसे वापस नहीं आए। इस मामले में मैनचेस्टर हवाई अड्डे के एक प्रवक्ता ने लिवरपूल इको को बताया कि इस यात्री को हुई असुविधा के लिए हमें खेद है, हम उनसे संपर्क में हैं और जल्द से जल्द पूरा रिफंड कर देने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला अपने आप में अजीबोगरीब है। पहले तो चंद मिनट की पार्किंग में इतनी मोटी रकम वसूलना और उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी का ये बयान आना। अब देखना होगा कि क्या बेचारे उस ओवर ड्राइवर को, क्या उसे उनका पैसा मिल पाता है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, KBC न्यूज़।